नमस्कार, आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 13 की बात करते हैं और ये भावार्थ रत्नाकर और वृषभ लग्न के विषय में ही बता रहे हैं आपको। अभी तक जो कुछ भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि शुक्र लग्न में हो, मंगल के साथ हो, गुरु की दृष्टि हो तो मंगल अच्छा फल करेगा, तो क्या वृष लग्न में शुक्र अच्छा फल नहीं करेगा? अब हम ये भी आपको दशा फल में बता चुके हैं कि कोई भी ग्रह अपने स्थान विशेष का तो फल करता ही है, साथ में अपने गुण स्वरूप के अनुसार जो जो कारकत्व को वो धारण करते हैं या जिसकी संज्ञा उनको प्राप्त है उसका भी फल करते हैं। केंद्राधिपत्य में ये भी बताया कि गुरु और शुक्र को विशेष केंद्र के अधिपति होने का दोष लगता है। तो इन सब बातों से लगता है कि वृष लग्न में जो जन्मे जातक हैं, क्या उनके लिए शुक्र की दशा अच्छी नहीं होगी? दूसरी बात आ जाती है कि वृष लग्न में जो मूल त्रिकोण की राशि शुक्र की है वो तुला राशि है और उसकी स्थिति कहाँ है? छठे स्थान में। और छठा स्थान रोग ऋण शत्रु का स्थान है, छठा स्थान अशुभ स्थान है, छठा स्थान दुख स्थान है। तो इस स्थान के स्वामी होने के कारण भी शुक्र का शुभ फल नहीं होगा। होरा पराशर में वृषभ लग्न वालों के लिए शुक्र को पापी भी माना गया और यदि जैसे ही हम इसको पापी मान लेंगे या अशुभ ग्रह मान लेंगे तब फिर इसको केंद्राधिपत्य दोष क्यों लगाएंगे? तो आप यदि अन्य पुस्तकों में अध्ययन करेंगे तो आपके मन में संशय आता रहेगा, लेकिन हमने जितना भी बात कहा वो किसी न किसी पुस्तक पर आधारित है और वो टेक्स्ट बुक अर्थात शास्त्रीय पुस्तक पर आधारित है। तो अब यहां जो कह रहा है शुक्र स्यादे संप्राप्ते धन प्रालब्ध मादिशेत भाग्य योगम समाप्नोति वृष जन्म न संशय। अब कहा जा रहा है कि शुक्र के साथ यदि चंद्रमा हो तो ऐसे में भाग्य योगम समाप्नोति वृष जन्म न संशय। तो अब यहां तो शुक्र को अच्छा कहा जा रहा है तो अर्थात दशा और अंतरदशा में फल अच्छा करेगा। तो जब हमारे मन में हमेशा पहले अपने लिए प्रश्न होता है और जब हम अपने मन में जब प्रश्न आता है और जब तक हम उसको अच्छी तरह से अन्य पुस्तकों में पढ़ करके समझ नहीं लेते तब तक हमारी जिज्ञासा शांत नहीं होती या जो मन में पीड़ा हुई है कि इसको फिर हम समझें कैसे, दुविधा जो भी जब तक वो समाप्त नहीं होता तब तक परेशानी होती है। तो इसीलिए हम अन्य पुस्तकों का भी अध्ययन करते रहते हैं। तो सारे पुस्तकों के अध्ययन के बाद जो हमारी अपनी एक समझ आई कि केंद्राधिपत्य दोष जो बोला गया वो केंद्र के अधिपति होने के कारण कहा गया। तो केंद्र अब यहां ये तात्कालिक प्रभाव से उत्पन्न दोष है, नैसर्गिक रूप से शुक्र को दोष लगेगा ये नहीं कहा गया। और अब आ जाते हैं कि जब दशा फल कथन कहने के लिए जाते हैं तो होरा परासर के दूसरे तीसरे श्लोक में ही ये पता चलता है कि स्थान का फल करता है और अपने स्वभाव के अनुसार गुण स्वरूप का फल करता है। तब केंद्राधिपत्य जब भी दोष लगेगा तो वो स्थान विशेष के विषय में हम सोचें या नैसर्गिक रूप से उसको अशुभ कह दें, ये समस्या है। अब यदि नैसर्गिक रूप से हम उसको कह दें कि ये शुभ फल करेगा ही नहीं तो ये हमारी भूल हो जाएगी। अब तात्कालिक प्रभाव के कारण लगे दोषों को हम किस तरह से समझें और किस संदर्भ में लें ये योग्य ज्योतिषियों के अपने समझने का अपना अलग अलग तरीका होगा, लेकिन हमारे अभ्यास में भी
हमने ये देखा है कि केंद्राधिपत्य दोष तो लगता है लेकिन वो जिस स्थान के अधिपति होते हैं। अब मान लीजिए यहाँ लग्न का आधिपत्य है तो षष्ठेश भी तो है, तो ऐसे में क्या होगा कि जातक को स्वास्थ्य संबंधित पीड़ा होगी, ये शुक्र इसका दाता हो सकता है। शारीरिक आकृति में विकृति होगी ये संभव है यदि और भी कोई परेशानी हो, लेकिन अब ये छठे का फल भी तो करेगा, तो अब क्या कहेंगे कि चूंकि छठे का फल करेगा ही नहीं केंद्राधिपत्य दोष लग गया तो वो भूल जाएगा? नहीं, भूलना तो सिर्फ उसको केंद्र के फल को है, ना अपने नैसर्गिक फल को भूलना है, ना अन्य स्थानों के फल को भूलना है। बहुत सारे व्याख्याकारों ने लिख दिया है कि चूंकि ये छठे का स्वामी है इसीलिए कहते हैं कि ये पापी हो गया तो ये विपरीत राजयोग में चला जाएगा, लेकिन हमारा वो मतलब नहीं है। हम सिर्फ जो हम खुद समझते हैं वही आपको समझाते हैं। मेष लग्न में भी चर्चा हुई थी, यहाँ भी। अब यहाँ कहता है कि शुक्र के साथ चंद्रमा, तो हम जानते हैं कि सूर्य बुध और शुक्र ये तीनों जो हैं आसपास ही होते हैं, अपने आंतरिक युति ही करते हैं, बाह्य युति नहीं करते। अब जब हम आपको गणित पढ़ाएंगे, डिग्री पढ़ाएंगे, तब आंतरिक बाह्य युति भी पढ़ा देंगे, वहां और समझ लीजिएगा। तो अब क्या है कि शुक्र के साथ चंद्रमा है ये हमको ज्ञात हो गया, तो अब सूर्य इससे अधिक दूर जा ही नहीं सकता शुक्र से, मैक्सिमम 45-47 डिग्री तक ही इसको रहना है, और यहां 72 डिग्री सूर्य से 72 डिग्री आगे पीछे चंद्रमा हो तो अशुभ है। तो अर्थात जिसकी चर्चा हो रही है वहां चंद्रमा अशुभ होगा, क्योंकि शुक्र बताते ही सूर्य उसके एक घर आगे एक घर पीछे या उसके साथ हो सकता है। अब अशुभ चंद्र इस पत्रिका में अशुभ नाथ भी है, ये भी हम लोगों को देखना चाहिए। एक तो अशुभ नाथ और दूसरा छीन चंद्रमा होने के कारण यहां शुक्र के साथ स्थित हो जाए तो शुक्र में भी अशुभता आएगी। हम हमेशा कहते हैं संगत का गुण सबको होता है, और जब शुक्र में अशुभता आ जाएगी तब शुक्र का फल अच्छा होने लगेगा, क्योंकि तब वो लग्न का भी अच्छा फल करेगा। तो केंद्राधिपत्य दोष लगता है और 80-90% दोष भंग हो जाता है, इस बात का भी ध्यान रखना। गुरु के केस में कम होता है लेकिन शुक्र के केस में तो अत्यधिक भंग हो जाता है। लोगों का प्रश्न आने लगता है कि यहाँ तो सर मालव्य योग बना लिया आप, मालव्य योग का फल कैसे नहीं करेगा? हमने ये कहाँ कहा कि योग का फल नहीं करेगा, लेकिन तात्कालिक प्रभाव के कारण अर्थात तात्कालिक अधिपति होने के कारण तात्कालिक रूप से ही हम लग्न स्पष्ट करने के बाद ही समझ सकेंगे कि शुक्र केंद्र के स्वामी है तो किस भाव के स्वामी है, और उसके अधिपति होने से जो दोष लगेगा वो सर्वस्व नाश तो नहीं करेगा शुक्र का या उसके फलों का, तो इस बात को भी समझना है। केंद्राधिपति में बहुत प्रश्न आया तो यहां से भी आपको बहुत कुछ स्पष्ट हो जाए। तो ये आप लोगों ने समझ लिया। अब सूर्य शुक्र और बुध ये आपस में आसपास ही रहते हैं, और चंद्रमा का जब ये कहा जा रहा है कि शुक्र के साथ हो जाए तो निश्चित रूप से वो छीन चंद्र होगा, और वृष लग्न के पत्रिका में चंद्रमा तीसरे का स्वामी भी होगा, और तीसरा स्थान अशुभ है और उसका स्वामी होकर के शुक्र के साथ होना, और कहीं से और अशुभ ग्रहों की दृष्टि यदि शुक्र पे पहुंच जाए तो केंद्राधिपति दोष से वंचित हो जाएंगे, ऐसा भी बहुत जगह शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो उसके बाद क्या करेंगे? भाग्य योगम समाप्नोति वृष जन्म न संशयः, और जब तक ऐसा योग नहीं होगा तब तक भाग्य योग नहीं होगा। ऐसे स्थिति में शुक्र अपने ही दशाओं में फिर भाग्य योग्य करेंगे और अच्छे फल प्रदान करेंगे। दूसरी बात है कि शुक्र सौम्य ग्रह है, इसके नैसर्गिक फल यदि मिल जाएं तो वही आदमी के लिए पर्याप्त हो जाता है। तो यदि केंद्राधिपत्य दोष होने के बाद केंद्र के फल को कम करने के बाद भी
यदि नैसर्गिक फल का ही प्रभाव मिल जाए तो वही काफी, और दूसरे में अब यदि हम इसको छठा स्थान मानते हैं तो हम इसको हमेशा ये त्रिकोण क्यों नहीं बनाते? ये कर्म स्थान का ये भाग्य है और इस पत्रिका में कर्मेश कौन? शनि। और शनि कितना मेहनत करने वाला होता है, कितना परिश्रम करने वाला होता है, ये भी जानते हैं। तो ऐसे जातक कर्मठ तो होंगे ही। अब शनि की भी स्थिति समझनी होगी, लेकिन फिर भी हम यहाँ आपको कहना चाहेंगे कि यदि शुक्र के साथ कोई भी अशुभ ग्रह या कोई भी अशुभता आ जाए तो फिर केंद्राधिपत्य दोष का समन यही कह देंगे और फिर फल अच्छा मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ इस श्लोक के साथ साथ केंद्राधिपत्य दोष के विषय में भी बहुत कुछ सीखे होंगे। अब चूंकि दोष बताना है लघु पराशरी में केंद्राधिपत्य दोष का श्लोक ले आया गया, तो समझ सकते हैं कि श्लोक का कितना महत्व होगा और उसको भी समझना कितना जरूरी है। लेकिन हम किस तरह से पत्रिका देख रहे हैं, या दोष रह गया या किसी संगति के कारण से समाप्त हो गया या कम हो गया, तो अब वो कितना रिजल्ट देगा ये समझना है। और जब षडबल निकालते हैं तो वहां केंद्राधिपत्य दोष की वजह से कोई फल की हानि नहीं बोलते। तो इसीलिए हमने कहा कि सारे सिद्धांत सही हैं, हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। अगर हमको सही उपयोग करना आ गया तब हमसे भूल नहीं होगा, और यदि हम उपयोग सही नहीं कर पाएंगे तब हम हमेशा भूल करते रहेंगे और ये कहते रहेंगे कि ये वाला सिद्धांत गलत है, वो मानिएगा तो ये गलत है। तो हम सिद्धांत न माने इतना हमारे में सामर्थ्य नहीं। हम उसको कितने तरीके से, कितने सूक्ष्मता से समझ सकें ये होना चाहिए, और सूक्ष्मता से समझने के बाद ही हम रिजल्ट कह पाएंगे ये संभव है। लेकिन हम किसी भी सिद्धांत को नकार दें और कहें कि हम बड़े हो गए, हमने तो इसकी व्याख्या ऐसे कर दी, तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए जो शास्त्रीय सिद्धांत है वो अकाट्य है, इसको मान करके व्याख्या से समझने का प्रयास कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई परेशानी हुई हो, होती हो, तो आप फोन नंबर आपके पास है, शिक्षा से संबंधित, ज्ञान से संबंधित या समाधान से संबंधित ज्योतिष पूछना भी हो तो भी आप हमको फोन कर सकते हैं। बिना किसी संशय के आपको जवाब जरूर मिलेगा। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।